हेलो सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अप्पू भाई क्या हाल चाल है? हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह, बताए बताए जी। कौन बोल रहे? खालिद भाई। हाँ खालिद भाई, आप चलो नाम से याद रहा आपको। नहीं नहीं भाई, खैरियत जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह। चलो सुनाओ क्या कर रहे हो भाई? कुछ नहीं, ऐसे ही काम चल रहा। आप सुनाए? अरे बस बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआ है। जी जी इंशाल्लाह। अप्पू भाई एक मतलब हमारे एक भाई बात करना चाहते हैं आपसे, मगर उससे पहले मैं कुछ गुफ्तगू आपसे करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा बताइए। ठीक है, मैं ये पूछ सकता हूँ, हमारे जो नदीम बुरहानपुरी आप जानते होंगे उसको? जी जी। अभी वो एक अनवर भाई से बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि सुअर पाक है। कौन पाक है भाई? सुअर। अच्छा भाई, पता नहीं ऑडियो भाई आप हमको वो भेज दीजिएगा, अभी मैंने मतलब वो सुनी नहीं है ऑडियो। ठीक है, मैं आपको ऑडियो भेज दूंगा, फिर हम कल बात करेंगे ना इस पर। तो हमारे एक भाई आपसे बात करना चाहते हैं, उनकी इच्छा थी कि एक बार आपको भाई से बात हो जाए मेरी रफाई देने के मसले पे। मैंने कहा ठीक है आप बात कर लो, चलो आप उनसे बात कर लीजिए। जी यार ये हमारा भाई क्या है, बड़े अदब और एहतराम वाले, तो उनको प्यार से अदब से बात करिएगा ना। अरे मेरे भाई बिल्कुल, मेरे भाई प्यार से बात करेंगे हमें। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ना। जी जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम आपको भाई। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और शेख सब खैरियत? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए आपकी क्या चाल है? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह जी, बताइए रफा दैन के ऊपर मतलब क्या आपको बात करनी है? हाँ यार ये रफली दैन का मसला है ना, कुछ पेचीदा सा है, तो सोचा कि अप्पू भाई से, खालिद भाई जी कह रहे थे कि आप उनसे बात करो इस मसले में, तो अच्छी खासी तरह आपको समझा देंगे। नहीं भाई देखिए, असल में ये है ना, अब रफुल दैन नमाज में करना जो है ना भाई वो सुन्नत है, ठीक है। अब सुन्नत के ऊपर इतना मतलब भाई इस उम्मत में मतलब भाई वो इख्तलाफ है कि नहीं मतलब करना है तो नहीं करना है, तो वो ना करने की दलील दे रहे भाई, वो करने की दलील दे रहे, इससे जो आवाम होती ना मतलब भाई वो कंफ्यूज हो जाती है, ठीक है। मतलब सुनना क्या है, मतलब आपकी तहकीक मतलब कहाँ तक पहुँची, रफुल दैन मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं मुझे तो यहाँ तक भी लगता है कि रफुल दैन नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक चीज ये पूछ रहा हूँ कि चलो हमारे जैसे अहल हदीस भाई हैं, वो इस चीज पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि भाई रफुल दैन करना चाहिए, और ट्रेडमार्क बना लिया उन्होंने, मेरी पहचान जैसे बोलते हैं। अब जो रफुल दैन करता है, अब कुछ भी हो या ना हो, आमतौर पर हमारे लोग भी है ना, किसी को रफुल दैन करते देख लेंगे तो वो ये कहेंगे कि अहल हदीस, एक पहचान बन गई है। तो मुझे तो सबसे पहले ये बताएं कि भाई इसकी हैसियत क्या है, अगर इसे हम अगर नहीं करते हैं तो क्या उसकी नमाज बातिल हो जाती है, या नमाज में फर्क आता है, या फिर सवाब कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, तो इस तरीके की वजाहत है अगर वो क्लियर हो जाए ना, तो अगर एक इत्मीनान बख्श जवाब मिलता है तो इंशाल्लाह ताला हम भी ये सोचें कि अगर कहते हैं कि भाई अगर फर्क आता है वास्तव में तो वही करना चाहिए, अगर नहीं आता है तो फिर करना ना करना दोनों ही अगर चीजें अफजल है तो फिर मामला कुछ दूसरा है, तो वो करना चाहिए। तो जिस तरह इस पर हंगामा आराई हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, तो थोड़ी सी आप वजाहत कर दें इस बारे में। जी आपका नाम भाई? शाहबुद्दीन। शाहबुद्दीन भाई माशाल्लाह, एक हमारे वो दोस्त हैं बहुत खास, उनका भी नाम है शाहबुद्दीन। अच्छा चलो यार ये तो अच्छी बात है, समझ के ही बात करें। जी जी भाई, वो आपसे इतना खाली कहना है, देखिए अभी आपने कहा कि मतलब ये अहले हदीस मतलब इसके मतलब वो पीछे पड़ जाते हैं, और रफुल दैन मतलब भाई वो करते हैं, और जो कोई करता है तो उसको मतलब भाई वो लोग देख के जान जाते हैं कि हाँ भाई ये अहले हदीस होगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमारे जो अल्लाह के नबी हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी उम्मत को, उन्होंने अपनी उम्मत से भाई कहा था कि अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत को, इन दोनों चीजों को मजबूती से एकदम थाम लेना। तो भाई जो हम लोग करते हैं नमाज में रफुल दैन करते हैं, उसको हम लोग सुन्नत मानते हैं, तो उसको मजबूती से हम लोग पकड़े हुए हैं, ठीक। तो एक बात तो हो गई है, अब दूसरी बात ये कि क्या सिर्फ अहले हदीस ही ऐसा करते हैं रफुल दैन? नहीं भाई, वो जो चार अइमा है हमारे, इमाम है, ठीक है,
उन चारों में से तीन जो इमाम है, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इन तीनों को नजदीक रफा उदैन करना भाई ये साबित है और इनके मसलक में होता भी है। सिर्फ इमाम अबू हनीफा रहमुल्ला ठीक उनके मसलक में भाई ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस दौर में उनके पास इस चीज की हदीस भाई हो सकता है ना पहुंची हो। ठीक, लेकिन आज जो जो लोग बोल भाई एक मैडम बोलने फिर आप भी आराम से बोलिएगा, हम आपकी सारी बात सुनेंगे। ठीक भाई, देखिए मेरा इतना सा कहने का मकसद है कि मतलब ये अहनाफ हटाइए, अहल हदीस हटाइए, मलकी शाफाई हम्बली अनफी सब हटाइए। ठीक, आप भी मुस्लिम हो, हम भी मुस्लिम है, आप भी नमाज अल्लाह के लिए पढ़ लो, हम भी अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक, लेकिन नमाज अल्लाह के लिए नमाज हमें ऐसी पढ़नी है कि जैसे हमारे अल्लाह के नबी ने पढ़ा। तो अल्लाह के नबी से किसी एक भी नमाज में रफूल दैन करना नहीं साबित है। आप समझ रहे हैं कि मतलब कोई एक भी ऐसी नमाज नहीं है जिसमें अल्लाह के नबी ने भाई वो बिना रफा दैन के नमाज पढ़ा, एक भी सही हदीस नहीं साबित है। अब जो लोग भाई वो हदीसें लाते हैं उनकी ना भाई वो सर है ना पैर है ना टांग है, अब ज़ईफ हदीस पे तो भाई अमल होगा नहीं। ठीक, अब आपने कहा कि जो लोग भाई अब जो लोग नमाज में रफूल दैन भाई वो नहीं कर रहे हैं उनका क्या होगा? तो जो लोग बेचारे उनके पास मतलब ये इल्म ही नहीं पहुंचा है कि हाँ ये रफा दैन करना चाहिए भाई, इसकी भी हदीसें हैं, तो अगर वो अनजाने में भाई उसको नहीं कर रहे तो उनकी नमाज भाई इंशाल्लाह हो जाएगी। लेकिन जो लोग जानबूझ के कि हाँ वो लोग जानते हैं कि नहीं भाई ये सुन्नत है लेकिन हम हनफी है इसलिए हम छोड़ रहे, तो भाई पक्का भाई उनको अल्लाह के पास भाई ये चीज का भाई वो जवाब देना पड़ेगा कि है अल्लाह मेरे भाई वो नबी तो करते थे लेकिन हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे मसलक में नहीं था। तो भाई ये कोई जवाब नहीं होता है, अल्लाह ताला नमाज़ उस चीज के मुंह पे मार देंगे, कह देंगे मैंने पहले ही कह दिया था कि इस पूरे दीन इस्लाम को उस तरह फॉलो करना जिस तरह अल्लाह के नबी ने किया। तो अल्लाह के नबी से सही सनद के साथ कम से कम 400 से ज्यादा हदीसें हैं, 400 से ज्यादा सही हदीसें। तो अब उनको अगर कोई अमल नहीं कर रहा है, अगर जानबूझ के नहीं कर रहा है तो फिर उसको अल्लाह के पास देना पड़ेगा आंसर, और उसको इल्मी नहीं है भाई वो अनजाने में भाई वो नहीं कर रहा। अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं भाई 24 साल का मैं अहनाफ था, ठीक है, ठीक था, तो मैंने 24 साल तक मैंने भाई वो नहीं किया रफूल दैन, लेकिन जैसे मेरे पास अल्लाह के नबी की भाई वो हदीस आ गई हमने उसको अपना लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई कहे कि नहीं आपकी जो पहले नमाजें हुई इतना हुई है 22-24 साल की भाई वो कबूल ही नहीं हुई है तो उसकी बात गलत है, क्योंकि हमसे जो हुआ भाई वो अनजाने में हुआ, अनजाने में अल्लाह ताला माफ करेगा, लेकिन जान बुझ के कि एक चीज हम जानते हैं कि नहीं भाई वो मतलब ये चीज साबित शुदा है, अल्लाह के नबी भी करते थे, सहाबा भी करते थे, ताबई भी करते थे, और चार अइमा में से तीन जो इमाम थे तीनों इमाम भी चीज के कायल है, तो इसको जान बुझ के छोड़ना तो भाई इसके ऊपर तो भाई अल्लाह ताला भाई पक्का पकड़ कर गया। मैं बोलूँ थोड़ा? जी भी भाई बिल्कुल आप बोलिए। अब दूसरे तो आपकी एक बात है कि आपने कहा कि इसकी 400 से ज्यादा हदीसें हैं और अल्लाह ताला की नबी पे झूठ बोलना, आपको पता है आप कह रहे हैं कि 400 से ज्यादा सही हदीसें हैं। हाँ हाँ, जहन्नुम का अल्लाह ताला है अल्लाह के नबी के ऊपर झूठ बोलता है। हाँ, और इंदल मुहद्दिसीन ये कुफ्र है, इन मुहद्दिसीनों के नजदीक अगर किसी ने जान बूझ कर अल्लाह ताला के नबी की तरफ झूठ मनसूख किया तो मुहद्दिसीन ने इन्हें इसे कुफ्र कहा है। इसकी वजह क्या है कि उन्होंने अल्लाह के नबी बनने की कोशिश की, जो अल्लाह ताला के नबी की तरफ से हमें नहीं मिली वो बात उन्होंने अपनी तरफ से कही। नहीं बिल्कुल, इंदल मुहद्दिसीन ये कुफ्र है। जी जी ठीक है, और जितने भी उसूल बनाए गए हैं उसूल अल्लाह ताला के नबी ने नहीं दिए, या तो हमें फुकहा ने दिए या मुहद्दिसीनों ने दिए, और पूरी उम्मत उन्हीं उसूलों पर क्या है कि गामजन है, ये तो आप जानते हो अच्छी तरह। नहीं भाई क्या मतलब ये समझे नहीं क्या उसूल क्या अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को बताया है? नहीं भाई, कुछ एक उसूल बताए हैं लेकिन ज्यादातर जितने भी उसूल बताए यानी बनाए गए हैं अल्लाह ताला की कुरान में कहता है कि अल्लाह के नबी एक बेहतरीन नमूना है। ठीक है, बेहतरीन नमूना देखो, और जो जो हमारे नमूने ने भाई उसूल हमको दे दिए वो सब हमारे लिए कंप्लीट है, अल्लाह ताला ने इस दीन को कंप्लीट कर दिया है। अब दीन के कंप्लीट होने के बाद कोई उसूल भाई वो थोड़ी ना बना देगा अपने पेट से। अरे पहले सुनो, अल्लाह ताला के नबी हैं
अल्लाह ताला के नबी है, उन्होंने उसूल बयान नहीं किए, उनके जाब्ते बयान कर दिए हैं। तो उसूल निकाले जाते हैं, बनाए नहीं जाते। अल्लाह ताला के नबी ने बना के नहीं दिए, उसूलों को निकाला गया है और फिर उन्हें कुल्ली तौर पर यानी जिज्ञास को कुल्लियात पर अप्लाई किया गया है। वो एक चलो एक यानी बतीज बहस हो जाएगी। ठीक है, मैं मौजू की तरफ आता हूँ कि अल्लाह ताला के नबी के ऊपर झूठ बोलना कि इंदल मुहद्दिसीन कुफ्र है और अल्लाह ताला के नबी ने कहा है कि वो अपना जहन्नुम में अपना ठिकाना बना ले। बेशक सही कहा है, बिल्कुल। और बताइए, अगर आपने 400 से ज्यादा सही हदीसें बताई है, ये इतना बड़ा झूठ है, इतना बड़ा झूठ है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और गैर मुकल्लिद है, कोई कहता है 310, पहले सुन लो, कोई कहता है 310, कोई कह रहा है 250, कोई कह रहा है कि 400 हदीसें हैं, कोई कह रहा है 400 से ज्यादा हदीसें हैं, कोई उनके कहने की अपनी औकात ही है। लेकिन आज तक मैं ये दावा करता हूँ ये चीज कि अगर आप मुझे ना 100 हदीसें भी सही दिखा दें तो मैं उसी दिन हनफीत को तैयार कर अहले हदीस हो जाऊंगा। आगे खिदमत लेकर अब सुनो इसे आगे रही, मैं अब आपको सही हदीस सुनाता हूँ, आप मुझे उस पर गिरा करके दिखाना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के यानी जो उस्ताद हैं इमाम हुमैदी रहमतुल्लाह अलैह, वो अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस लाए हैं कि अल्लाह ताला के नबी यानी जब रफूल यानी शुरू में नहीं आपके लिए यानी कि हाथ उठाते थे रफूल यदन करते थे, रुकू में जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त और दो शब्दों के दरमियान ही रफूल यदन नहीं करते थे। और ये किससे हदीस है? इमाम बुखारी के उस्ताद मुसनद हुमैदी ने लाए, ठीक है, इमाम हुमैदी रहमतुल्लाह अलैह, जो खुद उसके क्या है कि जलीलुल कद्र वो है कि उस्ताद है उसके, इमाम बुखारी के, इमाम बुखारी से पहले हैं वो। और वो लाए पहले ये हदीस, और किससे लाए? उसी अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से, जिससे कि खुद बुखारी लाए हैं। दूसरी बात, आपने बोला इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अपनी मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर हदीस लाए हैं, और हदीस लाए हैं उसमें कितनी जगह है कि रुकू से सर उठाते वक्त, लेकिन रुकू को जाते वक्त का रफूल यदैन का जिक्र नहीं है। उन्होंने पूरी हदीस कितनी है कि 5 सिर्फ रफूल यदैन का जिक्र किया है। इमाम बुखारी की में कितनी है? 9 का भी जिक्र है, 10 का भी जिक्र है, एक हदीस में 10 का है, बाकी जो 4 हदीसें हैं उनमें 9 जगह का रफूल यदैन है। अब मुझे ये बताओ, और जो इमाम बुखारी लाए हैं अपनी यानी बुखारी के अंदर हदीस, वो इमाम मालिक के हवाले से लाए? इमाम मालिक की किसी भी किताब के अंदर कहीं भी 10 जगह से रफूल यदैन का कोई जिक्र नहीं है कहीं भी। फिर इमाम बुखारी वो ले कहाँ से आए? जब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सी किताबें लिखी है उसमें कहीं जिक्र नहीं किया। अगर उसकी तकरीर करोगे तकरीर भी नहीं हो सकती, क्योंकि इमाम मालिक जिनसे लाए गए हैं उनके पास वो हदीस है ही नहीं। वो तो 5 की लाए, जब वो 5 की जब मदीने में थी तो 5 की थी, लेकिन बुखारा पहुंच गई तो 10 की कैसे हो गई? यानी कि सबसे पहले अगर तकरीर की जाए बुखारी की, बहुत सी हदीसों की आज तक तकरीर ही नहीं, वो कहाँ से ली गई है? आराम से बोल लीजिए, फिर हम आपको बता रहे हैं। जो आपको ये कोई मतलब ये पट्टी जो ये पढ़ा के आपको भेजा गया है ना, अभी इसका इंशाल्लाह नहीं पढ़ा दे रहे। मैं खुद अपना मैं खुद किताबें पढ़ता हूँ, खुद का इल्म है, मैं किसी दूसरे से बातें नहीं करता और वो चीजें मैं खुद देख रहा हूँ। भाई कौन सी पढ़ी आपने किताब? मेरे पास कौन सी पढ़ी? पहले सुनिए, पहले सुन दो। नहीं मैं भाई मैं मौत का इमाम मालिक है, मैंने मौत का इमाम मालिक है, सुनो मौत का इमाम मालिक है, उसमें बुखारी मुस्लिम है आपके पास? बुखारी भी है मुस्लिम भी है मेरे पास, चलिए मुस्लिम भी है, इन्हीं दोनों से इन्हीं दोनों से आपको इंशाल्लाह हम साबित कर देंगे, बुखारी मुस्लिम से ही आपको साबित कर देंगे कि अल्लाह के नबी से सही सनद के साथ साबित। सही सनद सुनिए, पहले सही सनद है तो सबसे पहले ये है कि सबसे पहले अगर जिन रावियों से आई है ना, उन रावियों का उसमें वजाहत भी होती है, तकरीर क्या बोलते हैं हदीस की, आपको पता है उसकी? अरे मेरे भाई बुखारी की सनद चेक की जाती है, मेरे भाई बुखारी की सनद पे आपको क्या मतलब कोई वो डाउट है क्या, शक है बुखारी की सनद पे? अरे बुखारी के डाउट मैं नहीं कर रहा हूँ, बुखारी की तो 1100 हदीसों पर डाउट है, मुहद्दिसीन की है, अल्लामा ज़ाहदी रहमतुल्लाह अलैह ने जरा की है। अरे मेरे भाई मुनकर अल्बानी साहब ने मुनकिर बोल रहे क्या मेरे भाई आप? अरे पहले सुन तो लो, मुनकिर है, ये उसूल बनाया गया है। अरे मेरे भाई ये बताइए बुखारी की मतलब वो मतलब कितनी हदीसों पे मतलब भाई वो कलाम है? अरे आप
1100 से ज्यादा हदीसों पर कलाम है और इमाम ठीक है ये तो बहुत बड़ा झूठ है, इसको आप साइड में हटाइए। ठीक है बुखारी सुनिए मेरे भाई, बुखारी मुस्लिम की उम्मत में इजमा है, इजमा है। ठीक है आप जाके एक बार इधर कुरान टॉप की किताब है, कुरान के बाद भाई वो टॉप की बुक है। आप कौन सी आपके आलिम तो उसे करे बुखारी आग में, यानी आग में डाल दो, अगर इसे जाएंगे तो सादी की सादियों की धज्जियां उड़ जाएंगी। आप सुनिए वो पहले कौन सा आलिम ने कहा है? अरे मेरे भाई आप बहुतान पे बहुतान बांधे जा रहे हैं मेरे भाई, आप क्या मतलब आपको ऐसे बात करना है तो बताइए फिर हम भी कैसे बात दूंगा। नहीं हवाला दूंगा नहीं भाई, जो बात कह रहे हो उसका भाई वो टाइम से भाई वो देते जाइए। अरे तो मैं साथ में दे रहा हूँ, आप सुन तो लो पहले, थोड़ी सी रुक तो जाओ, जब तारीफ जब बात आ जाएंगी तभी तो। अरे तो मेरे भाई आप कितनी देर बोलोगे, एक मिनट आप बोल लो, एक मिनट हम बोल रहे, ऐसे तो आप भाई इकट्ठा बोलते जा रहे हो, हमें बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो। आपकी बात मैंने लगातार कितनी देर सुनी है, मैं आपकी जितने भी आपने सवाल किए मैं सबका जवाब दूंगा। अरे मेरे लेकिन पहले सुन तो लो यार। अच्छा ठीक है नहीं सुनो ले रहे ठीक है। अब भाई उसका बोल दिया, एक उसूल बना लीजिए, एक मिनट भाई आप बोलेंगे, एक मिनट इंशाल्लाह हम बोल लेंगे। लेकिन अब बोलिए एक मिनट आपके, लेकिन आपने क्योंकि आपने इतने सारे सवाल पूछे हैं उनके जवाब देने में, अरे मेरे भाई बातों का मैंने एक भी सवाल आपसे नहीं पूछा, ऑडियो आप एक बार फिर से सुन लीजिएगा, मैंने एक भी सवाल नहीं, क्या बताओ आपने इमाम मालिक के बारे में क्या कहा था, क्या कहा इमाम मालिक के रफी अदन, इमाम मालिक है कि वो रफली अदन के कायल है, जबकि इमाम मालिक रफली अदन के कायल नहीं है, उनके दलील उल कदर सुन लो पहले यार, दलील उल कदर सादी यानी उनके सागिर्द हैं इब्न उल कासिम रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने मेरे भाई इमाम मालिक के तो कुबरान सुन लो, उनको तो हाथ ही नहीं थे तो मेरे भाई वो रफुल दैन कैसे करेंगे, लेकिन उनका जो मसलक उनको फॉलो करते हैं वो लोग नमाज में भाई करते हैं। एक ही बताइए आज तक आप किसी मलकी आलिम से आपने बात की है? अरे सुनो मैं अफ्रीका में जितने मलकी हैं वो सबके सब नमाज में रफुल दैन करते हैं, उनका वीडियो रखा हुआ है मेरे पास, आपको भेजूंगा। मेरे भाई सुन लो, देखिए आप भाई हंसी हैं, आप भाई एहनाफ के ऊपर बात कीजिए, आप जो मलकी हमसे बोलोगे पहले सुन तो लो भाई, जो झूठ बोल रहा उसके ऊपर अल्लाह की लालत आम, जो झूठ बोल रहा उसके ऊपर अल्लाह की लालत, ठीक बिल्कुल आमीन 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 आमीन, चार इमाम में से तीन आमीन हाँ मेरे भाई, जो चार इमाम थे उनमें से जो तीन थे भाई वो कायल थे रफुल दैन के, खुद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का खुद का कॉल सुना रहा हूँ, खुद का कॉल सुनाऊंगा जिसे समझेंगे या मलकी लोग ज्यादा समझेंगे, आप लोग भाई वो एनाब को तो समझ नहीं पा रहे हो, अब जा रहे हो दूसरे मसलों को समझने के लिए। अरे इमाम फिर आप बेकार इमाम मालिक अबुद्दीन भाई, अबुद्दीन भाई अभी आपने कहा कि 400 से ज्यादा हदीसें हैं भाई, ये मैंने झूठ बोला, तो आपको इतना मालूम होना चाहिए हदीसों का उसूल कि एक जो हदीस आती है वो कई मतलब उससे आती है, लेकिन जो तुर्क होते हैं वो मतलब भाई वो कई तरीके से आते हैं, जैसे भाई कि वो बुखारी की जो हदीस है कि भाई वो नियत का, हाँ वो नियत का जो भाई वो होता है वो दारू मदार वो आमाल के ऊपर होता है, हाँ आमाल का दारू मदार जो होता है भाई वो नियत के ऊपर होता है, ठीक है तो ये 700 भाई सबसे पहली हदीस और इसी के ऊपर भी कलाम है। अरे मेरे भाई कलाम तो लोग करते रहेंगे, जो जाहिल है मुनकरे हदीस उनका काम ही कलाम करना है बुखारी मुस्लिम पे, अरे आप उनको छोड़ दीजिए, अल्लाह जिहादी ने ना लाइन लगा दी है, जो मजबूर रावी है ना इमाम बुखारी की मैं लाए मजबूर रावियों की, अरे मेरे तो इमाम अबू पर भी है, अब बताइए सुनो यार इमाम बैकी ने पूरा एक बाप बांध दिया है, तुम बीच में बोलोगे यार तो पहले मैं उसका जवाब भी दूंगा, मेरे भाई आपको हदीस के ऊपर बात करना है, रफुल दैन के ऊपर बात करना है, पहले आप ये बताइए रफुल दैन, ठीक है रफुल दैन पे बात करना है, हाँ रफुल दैन पे बात कर रहा हूँ मैं, अरे चलिए नहीं दैन के कायल नहीं है, हम कह रहे कोई नहीं इस दुनिया में कायल है, आप भी नहीं कायल है हम भी कायल है, नहीं अरे मैं आपको जवाब दे रहा हूँ उनका कौन सुना रहा हूँ यार, नहीं सुनोगे तो बात क्या समझ में आएगी, अरे हमने मान लिया भाई वो नहीं थे कायल, ठीक
हमने अपनी बात वापस नहीं सुना, तो मैं सुना तो मैं आपको बता तो दूं। अरे मेरे भाई माल, अरे मेरे भाई फालतू टाइम कहे, अपना भी वेस्ट कर रहे, मेरा भी वेस्ट कर रहे। मैंने मान लिया कि मतलब इस दुनिया में कोई भी रफोल दर नहीं करता था, हमने मान लिया यार। आप लोग कहे की कर ये तो बेवकूफान हार कर देना। अरे मेरे भाई हम कोई बात करने का तरीका थोड़ी है ना। अरे मेरे भाई हम आपसे सीधी बात पूछ रहे, आप लोग नहीं रफोल करते हो। अरे तुम्हें रफोल देना, मैं बता रहा हूँ क्यों करते रफोल देन। इमाम से हदीस लाए, इस पर गिरा करके दिखाओ आप। अरे मेरे भाई गिरा विरा करना मेरा काम नहीं है, मेरे भाई मोदी जी का काम है, ठीक है। इमाम हुमैदी लाए साहब, एक सही हदीस हमको बता दो रफूल बहन भाई, वो ना करने की इंशाल्लाह आज के बाद हम नहीं करेंगे। चलो ओपन चैलेंज है मेरा, एक हदीस बताओ। बता तो रहा हूँ मैं, इमाम हुमैदी मेरे भाई, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ भाई, बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद तिर्मिजी नसाई इब्ने माजा, आपके पास कुछ नहीं है, इनसे हट की किताबें हैं आपके पास। अरे भाई मेले की 5-5 रुपए की भाई वो किताबों से दिन सीखते हो क्या भाई? आपको अल्लाह समझ देगा। अरे बुखारी मुस्लिम है वो बाद में लिखी गई है, बुखारी मुस्लिम तिर्मिजी अबू दाऊद नसाई बाद में लिखी गई है, उसको नाम आने इमाम हुमैदी। अरे मेरे भाई पहले के जमाने की आप बात ना कीजिए, मेरे भाई जो लोग पहले थे उनकी आप बात ना कीजिए। बुखारी मुस्लिम सिख के आगे कोई भी किताब मोतबर नहीं है, चाहे वो पहले की हो चाहे ने बता दिया आपको। यार कौन हो आप? इसराइल ने बता दिया हदीस बुखारी से किताब है, तुम कलाम करके दिखाओ ना, किसने बता दिया तुम्हें ये उसूल? अरे कलाम मेरे भाई मेरा काम नहीं सही है मेरे भाई, और नहीं है कलाम करना मेरा काम। अरे मेरे भाई कलाम करना भाई वो मौदिसून का आपको इल्म तो मेरा काम नहीं है, इल्म आपको नहीं, आप झूठे मक्कार साबित हो गए मेरे भाई। बुखारी मुस्लिम साहब भाई साबित ही नहीं कर सकते कि भाई वो नमाज के अंदर रफ़ल दर्न भाई नहीं करना चाहिए। अरे तुम बात कर नहीं सकते, तुम्हें क्या इल्म है भाई? नाम किया है मेरे भाई, टोट के रखे हुए हैं हदीसों के। अरे मेरे भाई आप खाली फोन पे गड़बड़ करना जानते हैं, आपके पास ना कोई किताब है ना कुछ है, आप खाली हवाई फायरिंग कर रहे हैं। अरे बात ही नहीं सुनते तुम, बात तो सुनो, बात सुनो भाई। जब मैंने बोल दिया कि एक मिनट हमको बोलने दो, एक मिनट आप बोलो तो आप ही बोले यारो सामने वाले को सुनने दे रहो। आप बोलो ठीक है, आप बोलो। भाई हम इतना कह रहे हैं कि चलिए हमने मान लिया, हमें फालतू की बहस आपसे नहीं करनी क्योंकि आपका माइंड हम जान चुके हैं, ठीक है। आप एक नंबर के मुकल्लिद है तो मुकल्लिद से हमको भाई ये कुरान हदीस पे बातें करनी है। तुम तो इतने बड़े जाहिल हो, एक मिनट मेरा पूरा हो जाए उसके बाद आप फिर हमको जलील कर लेना, ठीक है। एक मिनट मेरा पूरा हो जाए, पता है कि मेरा तुम जलील होंगे कुछ नहीं पता है, तुम इस बात को घुमा रहे हो। देखेंगे फोन काट के कौन भागता है, ठीक है, अभी देख लेंगे फोन काट के कौन भागता है, ठीक। एक मिनट बोलो, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप बोलो मैं जवाब दे रहा हूँ भाई। मैं बोलूंगा आप जवाब दोगे। हाँ ठीक है, मेरा भाई मेरा सीधा सा कहने का मतलब ये है, कौन सी हदीस हो, उसका रावी कैसा हो, उस पर कार्ड पेश करो, जिरा पेश करो, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। अगर आप वाकई आप मतलब भाई आपका मानना ये है कि निरफुल दान करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत है, तो मेरे भाई आप लोग भी तो करते हो ईद की नमाज में, वितर की नमाज में, तो पहले उसकी दलील दे दो या तो पहले उसको करना छोड़ो, ठीक। पहले सुनो, सुनो तो पहले सुन लो। अब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट हो गया मेरा, एक मिनट हो गया मेरा, एक मिनट हो गया बिल्कुल। हाँ मेरे भाई कौन सी घड़ी लगा है वो मेरे भाई? तो अच्छा ठीक है, आप ही बोल लो, आप बोल लो, ठीक है। आपका अगर ये उसमें 10-20 सेकंड बाकी हो तो आप 10-20 नहीं मेरे भाई, नहीं आप बोल लो, आपके जो मुँह में आ रहा है पेट में आ रहा है आप आराम से बोल लो। हाँ सुनिए, आप अगर ईद की बात करते हैं, ईदेन में जो रसूलिया दैन किया जाता है, अल्लाह ताला की नबी से तर्क साबित नहीं है, अगर तर्क साबित दिखा दो तो हम उसे छोड़ने के तैयार हैं। रही दूसरी, और ये बात की वितर में करते हैं, और ना वितर में अल्लाह ताला के नबी से तर्क साबित है। रही दूसरी बात इसके अलावा कि अगर तर्क है साबित तो सिर्फ इन 5 नमाजों में, यानी जो हमारी फर्ज नमाजें हैं, फरज नमाजें, इनमें आमतौर पर और निफलों में यहाँ से साबित है, इसलिए हम रसूलिया दैन है वो नहीं करती। और मैंने आपको जो हदीस बताए, आप कोई भी हदीस जब तक न सही होगी ना ज़ैद, चाहे वो बुखारी मुस्लिम में तिर्मिज़ी अबू दाऊद नसाई इब्ने माजा, जब तक कि एक उसूल है सही हदीसों के, सही उसूल है, अगर एक सही हदीस है उसके लिए 5 उसूल बनाए मौदीसी उन्होंने, अगर वो हदीस उन 5 उसूलों पर खड़ी उतरती है तो वो सही है, अगर उनमें से एक में भी कमी आएगी हसन दर्जे पर आ जाएगी, अगर उसमें भी कमी आएगी हसन ली जाती, हसन ली गहरी, ठीक है, उन सब पर आ जाएगी, मौजू अमन गढ़ के अलावा
सारी सब कुछ है, सही ली जाती, सही ली गई, उनके उसूलों के तहत आ जाएगी। रही अब ये कि सारी की सारी जितनी भी सही चीजें ना सिहाय सत्ता के अंदर है, ना बुखारी मुस्लिम तिर्मिज़ी अबू दाऊद में चाहिए, इन सब ने इहाता नहीं कर लिया। अगर बुखारी और मुस्लिम कोई बुनियाद बनाई जाए तो बुखारी के अंदर तो ना कलमा मौजूद है ना अजान मौजूद है, लेकिन वो भी हम दूसरी जगह से ले रहे हैं। अब रही ये बात, एक मिनट हो गया मैंने आपको पूरा बोला। आपने जो कहा कि भाई वो तर्क साबित नहीं है, तर्क साबित नहीं है, ठीक है, तो आप लोग पहले तो ये साबित कीजिए कि आप लोग जो वितर की नमाज पढ़ते हैं क्या वो वाकई अल्लाह के नबी की तरीके से है? तो आप तो क्या आपके जितने बड़े बड़े हनफी आलिम है वो नहीं साबित कर पाएंगे कि आपकी जो भाई ये तरीका है वितर की नमाज पढ़ने का ये अल्लाह के नबी का तरीका है? अल्लाह के नबी ने कभी भी अल्लाह के नबी ने हमेशा नमाज पढ़ी, जो भी वितर की पढ़ी, चाहे वो एक रकात हो, तीन रकात हो, पांच रकात हो, सात रकात हो, नौ रकात हो, सब में अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ अपने दोनों भाई को हथेलियों को उठा के उसमें पढ़ा दुआए कुनूत। आप लोग वो पढ़ते नहीं हो, आप लोग ने तो एक्स्ट्रा भाई वो उसमें डाल दिया रमजान। मेरे भाई एक मिनट पूरा हो जाने दो अल्लाह के पास। आप लोग जो वितर की भाई वो जो आखिरी रकात होती है उसमें दोनों भाई वो दोनों हाथों को कानों तक भाई अपना उठाते हो, तो वो जो रफा दैन है वो तो साबित ही नहीं है, तो उसका भाई वो मतलब वो हम सर कहाँ से दें और वो कहाँ से दें? और अगर आपको तर्की साबित करना है तो हम लोग जो नमाज में रफा दैन करते हैं भाई वो तकबीर तहमी वो तकबीर उला पे तहरीमा पे, और जब जाते हैं रुकू में और रुकू से उठते हैं और अत्तयात के बाद, आप इनका साबित कर दो सर। लेकिन हम आपको हदीसें देंगे टॉप की भाई, हम आपको देंगे भाई वो बुखारी की, मुस्लिम की, अबू दाऊद की, आप कहाँ की दे रहे हो पता नहीं, जिसका मेरे बाप दादा ने भाई वो नाम भी नहीं सुना। तो आप मेरे भाई, अरे भाई अलग किताबों को दे रहे मेरे भाई, आपकी कौन सी घड़ी है? आप बोलते हो तो हम पूरा सुनते हैं, ठीक है, लेकिन आपको बीच में उंगली करने की आदत है, इसीलिए मुकल्लिदों से मैं बात नहीं करता हूँ, वो कभी उसूल से बात नहीं करते हैं, उसूल तोड़ना उनकी आदत है, क्योंकि जानते हैं ना सामने वाले की एक बात को। भाई आप एक काम करो भाई, आप एक मिनट हो गया, आप सबसे पहले हमको वितर का तरीका साबित करो अल्लाह के नबी से, ठीक है? आपने जो इतना बड़ा दावा कर दिया है कि वो तर्क नहीं, सुनो आप साबित करो। अरे आपको भाई, आपको कुछ भी नहीं पता है, आप बात क्यों करते हो लोगों को? मेरे भाई सुन लो जुज रफुल यदैन आपको सुनना है, ठीक है, सुनने की बारी आपकी, ठीक है, जबरदस्त जुज रफुल यदैन है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि दो हदीसें लाए हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से, और खुद मुसन्निफ इब्ने अबी सहबा वो खुद क्या लाए हैं कि एक हदीस लाए हैं तो अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से, यानी कि ये तीन हदीसें हैं कि जो रफुल यदैन को, यानी जो वितर में रफुल यदैन करके दुआ कुनूत पढ़ना है। रही आपकी ये बात कि अगर कोई भी अहले हदीस अल्लाह ताला के नबी से, किसी सहाबी से अगर मुझे हाथ उठाकर दुआ मांगने की सही तो क्या ज़ईफ़ हदीस अगर साबित कर दे तो मैं उसी दिन, यानी मैं हाथ उठा के यानी रफुल यदैन नहीं करूंगा, सीधा हाथ जैसे दुआ के लिए उठाते हैं आसमान की तरफ, मैं उसी दिन शुरू कर दूंगा। ये सबसे पहले अल्लाह ताला के नबी पर ही झूठ बोलते हैं, साबित ही नहीं है, ये नहीं करोगे अल्लाह की खाजो कसम, अभी साबित करूंगा। अरे साबित करूंगा और ऐसी दलील दूंगा ना जिसको कोई मायका लाल कोई भी हनफी उसका इनकार नहीं कर सकता है। और बताओ खाजा अल्लाह की कसम, सुनो हाँ ना डर क्यों अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूँ। चलो सुनो, अब सुनो, अब सुन लो की कसम। अरे मेरे भाई पूरी बात आई, कसम खाई पूरी हो जाने की कसम ना तोड़ना। मैं स्कैन भेजोगे की नमाज, स्कैन भेजोगे, स्कैन भी भेज रहा हूँ, ऑडियो में जो ऑडियो में बोल रहा हूँ उसी का स्कैन भेजूंगा। अब आप सुनिए, ठीक है, आपने कहा कि कोई भी अगर हमको ये साबित कर दे कि मतलब भाई वो वितर की नमाज में आसमान की तरफ अपनी भाई वो हथेलियाँ उठाना है तो मैं पहले चीज बन जाऊंगा, ठीक बन नहीं जाऊंगा मैं, यानी उसी दिन हाथ उठाकर दुआ, यानी जो दुआ कुनूत है वो शुरू कर दूंगा, ये कही है ना। चलिए भाई ठीक है, देखिए भाई कुनूत में दोनों हाथ उठा, कुनूत नाजिला मत करना, कुनूत नाजिला का अलग मसला है, कुनूत है उसका अलग अलग है। आज आप बोलो, अब गलत मतलब अलग क्या है, नहीं अलग क्या, पहले ये बताओ जरा। आज तुम्हारे
को तू जो कुनूत नाजिला है अल्लाह ताला के नबी में पांचों वक्तों यानी पांच नमाज है ना, पांचों नमाजों में अल्लाह ताला के नबी से साबित है। यानी जब अरे वितर की नमाज में नहीं पढ़ते अल्लाह के नबी आसमान की तरफ उठा के, अब आप इंकार करो, अब इंकार करो ना, नहीं करते ना, अल्लाह ताला के नबी किसी भी हदीस से साबित नहीं है। हाँ मेरे भाई, अल्लाह के नबी वितर की नमाज में कुनूत में दोनों हाथ उठाकर छाती तक दुआ मांगते थे, अपनी दोनों हाथों की हथेलियां आसमान की तरफ रख के। ये कहाँ पे उतरा हुआ है? इसको कोई माइके लाल अगर कोई हंसी अगर किसी ने माँ का दूध पिया है तो इसका इनकार कर दे भाई। आपका ये उतरा हुआ है दुर्रे मुख्तार जिल नंबर एक सफा नंबर 310, और इसके ऊपर कोई भी हंसी अमल नहीं करता, अपनी फिका पे अमल नहीं करता भाई। ये बहुत बड़ा दुर्लभन है कि हदीस तो हदीस, अपनी फिका पे अमल नहीं करता है। आप मुझे सिकेंड दोगे अरबी का? ठीक है मेरे भाई, मैंने आपसे वादा किया है उर्दू का, इंग्लिश का, जिस भाषा में कहोगे उसमें भेज दूंगा। लेकिन आपने अल्लाह की कसम खाई है। अरे भाई मैं मुसलमान तो जबान से कभी फिरता भी नहीं है। आप कसम तो देख लेंगे वो, आप वो पता है बड़े बड़े लोग आते हैं अल्लाह की कसम तक खा लेते हैं तब भी नहीं मानते, उसमें कील काल करने लगते हैं। मेरे पास दुर्रे मुख्तार है, आप ऐसा बताइए कि दुर्रे मुख्तार का मुझे अभी जिल में है, कौन सी जिल्द में है? अभी जो आपने झूठ एक और बोला था कि बुखारी मुस्लिम से साबित है कि, हाँ क्या पूछ रहे भाई? पहले आप ये है कि मैंने पूछा दुर्रे मुख्तार की कौन सी जिल्द में है, सफा कौन सा है, आप मुझे बताइए। हाँ मेरे पास है दुर्रे मुख्तार, चलिए उठाइए खोलिए भाई, दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर एक सफा नंबर 310 जी, 310 ठीक है, मैं देख लूंगा। मेरे पास जिल्द नंबर मैं देख लूंगा, एक है सफा नंबर 310 है, ठीक है, सफा नंबर हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए लेकिन जिल्द एक ही रहेगी। ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वो देख लूंगा ना। तो आपने बोला कि भाई ये बुखारी और भाई ये मुस्लिम में वितर में भाई वो मतलब साबित है अपने हाथों को उठाना। मैंने जुजरफुल यदैन में दो हदीसें हैं। हाँ मेरे भाई बुखारी छोटा सा तो लिखी है वो, आप सुन लो, जुबैर अली जेई साहब हैं, आपको जुबैर अली जेई साहब के बारे में तो अच्छी खासी पता होगा, उन्होंने नमाज दी। मेरे भाई कोई भी हो, मेरे भाई नबी थोड़ी ना मेरे लिए। अरे नबी नहीं है यार, मैं पूछ रहा हूँ, उन्होंने आपको पता क्या लिखा है कि जो ये वितर में हम हाथ उठा कर दुआ कुनूत पर दुआ करते हैं, इसके लिए यानी कि अल्लाह ताला के नबी से कोई हदीस नहीं है, लेकिन चंद कुछ आसार मिलते हैं, यानी आसार अल्लाह के नबी से ना सहाबी से किसी से साबित नहीं, चंद आसार मिलते हैं, तो सिर्फ उसके लिए, इसलिए उन्होंने एक ये कहा कि जवाब नहीं कर सकते भाई। ये कहा लिखा है उनके पास है? उन्होंने कहा लिखा है ये कॉल भाई? नमाज़-ए-नबी में भाई मैं पूरी की पूरी बुक कम से कम 2500 बार पढ़ चुका हूँ, आज तक मुझे उनका कॉल नहीं मिला। आप दोबारा पढ़ोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। आप एक चीज बताएं, अपना मसला साबित करने के लिए भाई आलमों के ऊपर भाई वो बहुतान अपना बांध दिया, ठीक है, जब तक आपके पास ना हो तब तक आप इधर की बात ना कीजिए। सुनो मैं आपसे बात कर रहा हूँ दलील के साथ, बात कीजिए, फोन पे बात रिकॉर्ड हो रही है, मैं आपको स्कैन भेजूंगा, ठीक है। अरे मेरे भाई ये बताइए, आप लोग जो वितर की नमाज में आपको एक्स्ट्रा रफादान करते हैं उसकी आपके पास हदीस है क्या? आप लोग जो वितर की नमाज में आखिरी रकात में जो भाई वो करते रफुलदैन करते हैं एक्स्ट्रा, उसके आपके पास कौन सी हदीस है? अब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जिस रफुल यदैन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने जो रफुल यदैन छोटी सी बुक है मेरे भाई 30-35 पेज, हाँ हाँ उसमें उसमें दो हदीसें हैं, ठीक है, आपको स्कैन चाहिए स्कैन मिल जाएगा, दो हदीसें उसमें भाई ने वो पढ़ चुका होगी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जो आप हदीस बता रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन उससे आप क्या समझे, उससे आप क्या समझे, आप समझा दो क्या समझे माशाल्लाह। ठीक है देखिए, हमने जो पढ़ा है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस्तादों की भाई उसमें पढ़ा है, ठीक है, उस्तादों के सामने हमने पढ़ा है, उस्तादों ने हमको बकायदा बताया है समझाया है, और आपने जो पढ़ा है आपने इधर इधर इंटरनेट पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब हम बता रहे हैं आपने जो उस पर अच्छे चढ़ाया है ना, आपने वो पढ़ा है, मुझे पता है आपकी औकात कितनी है, क्या है उसमें आप, चलो ठीक है, आप मुझे सुनाओ मुझे क्या भाई आप क्या समझाना चाह रहे हो, आप अपना मसला साबित करने के लिए कुछ भी बोलते जा रहे हो, मतलब जो मुंह में आ रहा है वो बोलते जा रहे हो यार। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं आपसे चीज आपसे कह रहा हूँ ना, उसके बारे में आप ना क्या
मैं क्या गाली दे रहा हूँ? बोला है कि अल्लाह के नबी के ऊपर जो वो जान बुझ के झूठ बोलता है उसका भाई वो ठिकाना कहाँ है आपको भी मालूम है, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैंने आपको तीन हदीसें दी हैं, एक मुसन्नी की, आपने जो दो हदीसें जो आप इनकार कर रहे हो आप समझे नहीं, चलो आप समझाओ ना। हाँ तो मेरे भाई वहाँ पे जो आया है, वहाँ पे आया है कि भाई अपने दोनों हाथों को उठाना, तो जब भाई वो हम दोनों हाथों को उठाएंगे तभी तो आसमान की तरफ देख के मांगेंगे दुआ, मतलब समझे आप? अरे भाई वहाँ रसूल यदैन का जिक्र है, रसूल यदैन मेरे भाई, रसूल यदैन का मतलब क्या होता है कि दोनों हाथों को उठाना, तो जब दोनों हाथों को छाती के सामने उठाएंगे तो वही चीज तो उन्होंने भी उतारी है, लेकिन आप उससे मसला ले रहे हो नहीं, वो तकबीर उले वाला रफा दैन, तो ये आपकी भाई अकल की कमी है ना। अरे अकल की कमी है, अगर आप जुबैर अली जी साहब है ना, उन्हें ये दलील मिलती है। अरे मेरे भाई इमाम अबू हनीफा सीखते हैं। अरे पहले सुनो, अगर रसूल यदैन के यही मसला लोगे ना आप, तो अरे मसला ले रुकू में जाओ तो हाथ उठाओ, जब भी हाथ उठा के अल्लाहू अकबर कहो, यानी ऐसे जैसे उठा के लिए हाथ उठा के देखिए जाओ, जब भी अल्लाह अकबर कहो, इस तरह हदीस से क्या मजाक बना रहे हो? एक ही हदीस से जो लोग भाई वो दीन सीखते हैं ना, वो आपकी तरह उनका हाल हो जाता है, मेंटल हो जाते हैं वो लोग, ठीक है? एक ही हदीस से भाई हम लोग नहीं सीखते हैं भाई, जो भाई मेंटल तो आप हो गए हो मेरे भाई, कितने सहाबा के आसार हैं, कितने सहाबा के आसार हैं कि वो हमारे अपने हाथों को छाती तक उठा के भाई वो दुआ मांगते थे। अब बताइए आपका हो गया। और सुनिए सबसे बड़ी दलील जो आप लोग के लिए हुज्जत है, आप लोग क्या कहते हो, देखो वो हरम में भाई वो 20 रकात तरावी हो रही है, तो वहाँ की वितर की नमाज भी देख लो भाई, वहाँ पे भी छाती की तरफ हाथ उठा के उसमें पढ़ते हैं, वहाँ तो होता ही नहीं तीसरा फदन। अब बताइए आप, अब तो ये इधर से भी आप भागेंगे, अब तो हरम से भी आप भागेंगे ना। देखो मुझे वहाँ रकात आपको याद रहता है नहीं, आपको खाली 20 रकात याद रहता है, वहाँ की 3 रकात जाती है, उसका तरीका आप क्यों नहीं अपनाते हो? चीज लोगे दूसरी चीज छोड़ दो, ये कौन सा प्रोग्राम है मेरे भाई, प्लीज आप मुझे बोलने दीजिए भाई। ये भाई ये ऑडियो व्हाट्सएप पे जाएगी ना, लोग मुझसे कहेंगे भाई आप कितने टाइम वेस्ट कर रहे थे, आप कितने टाइम वेस्ट कर रहे थे। अरे टाइम तो आप खुद अपना वेस्ट कर रहे हो भाई, वाकई आप सही कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप सही कह रहे हैं, टाइम आप पेश की जाती है आपसे बात कर। मुझे बताओ कौन सी हदीस आपने इतनी देर में पेश की, एक सही हदीस आप नहीं पेश कर पाए। मैंने सही अबू अवाना और मुसनद हुमैदी दोनों आला दर्जे की सही तरीन हदीस, हम नहीं मानते हम नहीं मानते उसको, आप बेवकूफ तुम क्या मानोगे जब तुम हदीस से इनकार करोगे अल्लाह ताला के नबी भाई, आप जब नहीं मान रहे हो बुखारी से भी इनकार कर रहे हो, जी आपने किसका कैसे इनकार कर रहे हो, तो हम क्या करें मेरे भाई? फिर वही चीज, जो पूरी की पूरी हदीस का इनकार कर, कैसे आगे अकल से पैदल हो आदमी, बिल्कुल इनकार कर रहा हूँ, बिल्कुल इनकार कर रहा हूँ, बुखारी मुस्लिम की टक्कर में अगर आप कोई हदीस पेश करोगे उसका तो इनकार करेंगे हम, आप बुखारी से दिखाओ ना कि ना करने की दलील। ओ बेवकूफ, बुखारी अपने पास से बना के लाया हदीसों को, बुखारी भाई बद कलामी आप स्टार्ट कर दी मेरे भाई, बुखारी भाई हम आपसे कह रहे हैं बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद तिर्मिज़ी नसाई इब्ने माजा, इनमें से कोई एक भी सही हदीस आप हमको दिखा दो कि अल्लाह के नबी ने फला टाइम की नमाज में रफा दैन कतई नहीं किया, एक भी नहीं किया रफा दैन, तो हम भी छोड़ देंगे। आपको भाई पहले अपनी अकल का इलाज करवाओ, आप जाके अपनी अकल का काम करवाइए, हम लोग बुखारी मुस्लिम पे अमल सुनने वाले हैं, ये आपकी तरह कोई इधर उधर की किताबों पे अमल नहीं करते हैं जिसका नाम हो आज तक नहीं सुना, हद है यार। अरे मैं ये कह रहा हूँ गैर मुकल्लिब अकल से इतने पैदल होते हैं, उन्हें ये हदीसों का ही नहीं पता भाई, हम है नहीं गैर मुकल्लिब, ये किसने बना दिया भाई, हम तो अहले हदीस हैं, गैर मुकल्लिब थोड़ी ना है, हम तो तालिबे इल्म है, आप लोग मुकल्लिब। अच्छा एक बताइए, आप लोग मुकल्लिब होने के बावजूद कोई बात करते हो? कोई बात नहीं, मुकल्लिब के लिए खाली हुज्जत है इमाम का कॉल, आप अपने इमाम से साबित करो। अप्पू भाई आप जहाँ भागोगे वहाँ से भगा भगा के आपको, मैं आपको बताता हूँ, आपके अंदर अभी ना तो इल्म है ना आप समझ के पैदल है, इसलिए आप मेरे भाई बुखारी मुस्लिम आप जानते हैं में अब्दुल्ला बिन उमर से ओपन हदीस आई हुई है कि अल्लाह के नबी भाई
उनका पूरा तरीका बताया हुआ है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको इतनी समझ नहीं है, मैं आपको अल्लाह ताला के नबी की हदीस सुना रहा हूँ। और आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि नहीं मैं उन हदीसों को नहीं मानता। बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिजी, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा, इनके अंदर से पूरी नमाज भी साबित नहीं है, यानी कलमा भी साबित नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि बुखारी के अंदर पूरी नमाज अगर साबित कर दिया ना, मैं उस दिन अहले हदीस हो जाऊंगा। और अहले हदीस का बाप क्या दावा है, एक रकात भी साबित कर दे दो भाई। मुल्ला से सही सनद से खाली आप अपनी भाई वो नियत साबित कर दीजिए। एक रकात को छोड़िए नियत, 1,00,000 रुपए आपके अकाउंट में अभी डालूंगा इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है। आप नियत साबित कर दो अपनी, नियत नियत करता हूँ मैं 4 फौज वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ तेरा पीछे से इमाम के अल्लाह अकबर, ये जो इतनी लंबी भाई ये नियत लाए हो, क्या ये अल्लाह के नबी ने कभी ऐसी पढ़ी, क्या कभी किसी साहबा ने ऐसी पढ़ी, कभी ताबाइन ने, तबे ताबाइन ने, किसने पढ़ी? तो आप लोग क्यों पढ़ते हो? आप लोग साहबा के गुस्ताख हो, आप लोग खुद ही उल्टा सीधा काम करते हो, इल्जाम लगाते हो मेरे ऊपर। बात बता रहे हो भाई, दो रकात नमाज में अभी अब तू भाई सबर रखो, मैं आपको भाई सबर आपको आपको अभी नमाज साबित कर दे हम पूरी। आप 2 रकात की बात कर रहे हैं, 4 रकात साबित कर दे, ठीक है कोई बात नहीं है। आप ऐसा करो कि 2 रकात पढ़ना शुरू करो, मैं पूछ रहा हूँ सवाल, आप जवाब दीजिए, नहीं दोगे ना अपना मेरे भाई सवाल नहीं। आप कोई जय जो मैं मुजलिम हूँ भाई, मैं आपको पूरी नमाज साबित कर रहा हूँ। अल्लाह सलाम फेरते थे मैं आपको पूरी, अभी आप कहते मैं 2 रकात। हाँ तो मैं करूँगा ना मेरे आपको नमाज, आप जवाब देना। अरे मेरे भाई जब मैं पूरी साबित कर दूंगा उसके बाद आप सवाल कीजिएगा ना। एक आदमी आपसे कह रहा है कि नहीं मैं आपको 500 रुपए दूंगा, आप कह रहे हो नहीं पहले मैं 50 रुपए लूंगा, फिर मैं 100 रुपए लूंगा, फिर मैं 80 रुपए लूंगा। अरे भाई जब वो 500 रुपए इकट्ठा आपको दे रहा है उसमें से आपको जो चाहिए होगा आप अपना उसमें से अपना इस्तेमाल कर लेना, ये कौन सी बात होगी? हम जो पूछेंगे वो बताओ, आप कोई जज हो मेरे भाई? अरे भाई भाई हम आपको तकबीर तहरीमा से लेके नमाज में सलाम फेर आपको सही हदीस से मैं साबित कर दे रहा हूँ। आपके पास टाइम है 2 मिनट का? 2 मिनट में साबित करूँगा। सुनो पहले सुन लीजिए आप कि आप भाई 2 मिनट में साबित करूँगा, 2 मिनट में। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं ना उसकी दलील अपने पास रखते हैं, आप लोग की तरफ मतलब वो हवा में नमाज नहीं पढ़ते हैं भाई। अगर आप कहें तो साबित करें, ठीक है? अरे साबित मैं आपसे जो अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है, सही बुखारी किताबुल अजान हदीस नंबर 361। अल्लाह के नबी फरमाते हदीस सुनाओ, अल्लाह हदीस सुनाओ या अधूरी हदीस है, पूरी हदीस सुनाओ मालिक बिन हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने, पूरी हदीस सुनाओ। अरे हाँ वो मेरे भाई वो काफिले के लोग आते हैं, वो दीन सीखते हैं, लड़के होते हैं, नौजवान होते हैं, वो सब बहुत लंबी है, ठीक है? हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि नमाज दोनों साबित करनी है क्योंकि मर्द और औरत दोनों की जरूरत है ना, और उसमें अल्लाह हुक्म दे रहे हैं मर्द और औरत का कोई भी फर्क नहीं किया है। आम हुक्म है, ये आम हुकुम है कि उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखते, उसमें औरतें आ गई, आदमी आ गए, बूढ़े आ गए, बच्चे आ गए, जवान आ गए, हर इंसान आ गया। ये तो भाई ये तो आपके वहाँ फर्क है ना कि नहीं ये औरतों के अलग है मर्दों के अलग है, कुरान हदीस में थोड़ी ना फर्क है। पहले सुन लो, अब मैं आपकी इस हदीस का जवाब दे रहा हूँ, आप मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ तो वो ये बात क्लियर नहीं है ना, जो मैं तो सवाल पूछूंगा। अरे मेरे भाई तुम हदीस पता है कि तुम में से जो मतलब भाई वो बड़ा हो वो इमाम बने और जो एक हो वो अजान दे, अब आप कहोगे कि औरतों को अजान देती नहीं है, ये सब है ना ये पैतरे, ये सब बहुत पुराने हो गए, जाके किसी अंगूठा चूसने वाले बच्चे से आप बात कीजिएगा। आप नफू खान को ठीक है तो फिर ये हदीस रद्द हो गई ना, रद्द हो गई, काम की नहीं रही ना। जैसा मुझे अल्लाह ताला के नबी ने इमामत की है और इमामत नहीं करती, अल्लाह ताला के नबी ने अजान देने के लिए कहा औरतें अजान नहीं देती, अल्लाह ताला के नबी ने अमामा और टोपी बांधते थे औरतें नहीं, औरतें इमाम नहीं बनती हैं, औरतें इमाम नहीं बनती हैं, इनकार करो एक बार जरा। वो नंगे
औरतें नाम नहीं बनती है, नंगे सर नमाज पढ़ती है औरतें नंगे सर नमाज, अरे औरतें इमाम नहीं बनती है, बताओ है औरतें इमाम नहीं बनती, इनकार करो जरा तुम एक बार दम हो तो, औरतें आजान देती हैं नहीं, औरतें इमाम बनती हैं तो नहीं, पता है उनका अहकाम क्या है, इनकी बनती है कि नहीं, इमाम बनती है ना, वो इमाम बनती है ना, हाँ है ना, अरे हाँ है ना, बोलो पहले, इमाम बनती है ना औरतें, क्या औरतें इमाम बनती है, इमामत करा सकती है मेरे भाई, औरतें औरतों में कराएंगे ना, जब इस्लाम का बेसिक ये है, इस्लाम का जब बेसिक ही भाई ये है कि औरत का मानना ही होता है पर्दा छुपाना, ठीक है, औरत औरतों की इमामत करेगी आदमियों की नहीं, अभी तो आप कहते हैं कल का अंधा कोई होगा भाई वो समझेगा ना, आप हमको नमाज तरीके में सर बताओ ना, एक मर्द 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 और भाई आप हमें एक सहाबिया की गवाही बता दो कि भाई वो सहाबिया ने कहा हो कि हम नमाज ऐसे पढ़ते, अल्लाह के नबी ऐसे पढ़ते, अल्लाह के नबी ने औरतों का ऐसा बोला, आदमियों का ऐसे बोला, और हम और ऐसी थी सहाबा की नमाज वैसी थी, ये आप हमें साबित करो, हदीस को क्या कोई आसार भी नहीं होगा, एक सुनो पहले, एक मर्द है औरतों की इमामत करा सकता है ना मेरे भाई, औरतें इमामत कराती है, मैं ऐसा रजी अल्लाह ताला नमाज में ऐसे है भाई, अम्मी आयशा ठीक है रजी अल्लाह ताला वो औरतों की इमाम बनती थी, इससे मसला साफ हो गया कि औरतें भी इमाम बन सकती हैं, अब रही बात अजान का मैटर, इमाम होते तुम्हें पता क्या है काम थी, औरतें और अहकाम की बात ही नहीं हो रही होंगी, अहकाम की बात हो रही है, अभी बात हो रही है कि औरतें इमाम भाई वो बन सकती हैं कि नहीं, तो इसमें मैंने आपको दलील दे दी कि अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा भाई वो भी इमाम थी, उन्होंने भी औरतों की जमात कराई, अब आपका मसला क्या है कि औरतें अजान कहाँ देती है, तो आपको इतनी अकल नहीं है कि औरतों की जो आवाज है ना, आवाज का भी पर्दा है, तो औरतें अजान क्यों देंगी, तो मेरे भाई आप असल में ये ना, आप इस दीन को अपनी अकल से समझने की कोशिश कर रहे हो, और औरतें क्या आमीन कहेंगी जोर से हैं, औरतें आमीन कहेंगी जोर से, औरतें आमीन हाँ आमीन बोलेंगी, बिल्कुल बोलेंगी, तो वहाँ आवाज का पर्दा नहीं है, अरे मेरे भाई आप कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं मेरे भाई, अपने उसूलों के नबी के दौर में सबसे पहले अल्लाह के नबी इमाम बनते थे, उनके पीछे भाई वो सहाबा थे, उनके बीच में बच्चे थे, उनके पीछे औरतें थी, तो सबको आमीन बोलना है, सबको आमीन बोलना है, इसमें कोई फर्क नहीं है, बुखारी की हदीस है कि जब इमाम कहता है कि गैरिल मकजूब है तो आमीन कहो और